ये कहानी कुछ ज्यादा ही फिल्मी है, लेकिन ये किसी हीरो की नहीं बल्कि एक रियल लाइफ विलन की कहानी है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाहजहां शेख की। शाहजहां शेख जो शायद खुद को सचमुच का शाहजहां समझता है, लेकिन उस पर जो आरोप लगे हैं वो बहुत गंभीर है, और ये आरोप कुछ वैसे ही हैं जैसे फिल्म में किसी विलन के ऊपर लगते हैं। जमीन गबन का आरोप हो, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप हो, या महिलाओं के उत्पीड़न का आरोप हो, काफ़ी सनसनीखेज आरोप उसके ऊपर। 55 दिनों से लगातार वो लुका छिपी का खेल खेल रहा था, और अब जाकर वो पुलिस की गिरफ्त में आया है, लेकिन उसके चाल ढाल में कोई भी बदलाव नज़र नहीं आया। उसका बॉडी लैंग्वेज ये बताता है कि उसे सत्ता की हनक किस कदर उस पर सवार है, पैसे का रसूख किस तरीके से उस पर सवार है। लेकिन आखिर ये बेताज बादशाह संदेश खाली का बना कैसे, कैसे वहाँ के लोगों का भाई बन गया, यही कहानी मैं आपको आज सुनाती हूँ। देखिए, संदेश खाली का जो इलाका है वो इलाका लगता है बांग्लादेश से, और शाहजहां शेख बांग्लादेश से ही यहाँ पर पहुँचा। शुरुआत में बहुत मामूली काम वो किया करता था, खेतों में काम करना, मजदूरी करना, इसके अलावा भट्टों में, ईंट भट्टों में काम करना, इस तरह के काम वो करता था। और यहाँ पर उसने मजदूरों के साथ एक यूनियन तैयार की, यानी पहले उसने अपना एक कुनबा बढ़ाने की कोशिश की, अपने समर्थकों का एक जत्था उसने तैयार किया, जो लोग उसे भगवान माने ऐसे लोगों के बीच वो अपना वर्चस्व फैलाता गया, और फिर उसने मदद ली राजनीति की। जी हाँ, राजनीति में उसे कदम रखवाने में यहाँ उसके मामा ने अहम भूमिका निभाई। उसके मामा CPIM के एक प्रमुख नेता हुआ करते थे, और उसके मामा ने ही, शाहजहां शेख के मामा ही हाथ पकड़कर उसे राजनीति में लेकर आए। इसके बाद मामा और भांजे ने मिलकर यहाँ संदेश खाली में धीरे धीरे अपना वर्चस्व बढ़ाया, अपना कुनबा यहाँ पर बढ़ाया, और राजनीति की दुनिया में ये हावी होते चले गए। तो पहले ये CPIM के साथ जुड़े हुए थे, ये दोनों वहाँ पर पैसे की ताकत भी बढ़ाते गए, लोगों का समर्थन भी हासिल करते गए, और राजनीति के सहारे अपनी धमक हनक लोगों के बीच दिखाया करते थे। इसके बाद जब पश्चिम बंगाल में सत्ता की बयार बदली, तब इसे भापते हुए शाहजहां शेख ने यहाँ जब TMC का गठन हुआ तो ममता बनर्जी की सरकार में उसने एंट्री ले ली, और उसके बाद यहाँ करोड़ों की संपत्ति उसने खड़ी की। राजनीति में रसूख तो उसका, दबदबा तो बढ़ता ही चला गया था, लेकिन इसी के सहारे उसने यहाँ कई ऐसे काम किए जिस तरीके आरोप उसके ऊपर लगे हैं, महिलाओं ने जो गंभीर आरोप उसके ऊपर लगाए हैं, यौन उत्पीड़न का आरोप उसके ऊपर लगा है। आप ये समझिए कि पैसे और राजनीति की बदौलत उसने अपने आप को शायद सबसे ऊपर समझ लिया। वो ये समझता गया कि कानून उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि आपको 5 जनवरी की वो तारीख याद होगी जब धीरे धीरे, आपको बता दें कि शाहजहां शेख TMC में अपना कुनबा बढ़ाता गया, नेताओं के साथ नज़दीकी बढ़ाता गया, तो यहाँ पर ज्योतिप्रिया मलिक का वो खास बन गया। और ज्योतिप्रिया मलिक जो कि राशन घोटाला मामले में जब पूछताछ हुई है, 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा, तो इसमें ही शाहजहां शेख का नाम आगे आया। और शाहजहां शेख के घर 5 जनवरी इसी साल जब ED की टीम पहुँचती है तो शाहजहां शेख तो वहाँ नहीं मिलता, लेकिन उसके समर्थक ED की टीम पर हमला करते हैं। हमला कुछ ऐसा होता है, ऐसी तस्वीरें वहाँ से सामने आती है कि ED के कई अधिकारी घायल हो जाते हैं। यानी शाहजहां शेख ना अधिकारियों को कुछ समझता है, ना ED को कुछ समझता है, ना पुलिस को कुछ समझता है, ना कानून को कुछ समझता है, और तभी से 55 दिनों से ये जो लुका छिपी का खेल है वो खेलता जा रहा था। हालांकि अब जाकर उसकी गिरफ्तारी ज़रूर हुई है, लेकिन जब उसे कोर्ट में ले जाया जा रहा था तब भी वो रसूख, वो हनक उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रही थी। उसका बॉडी लैंग्वेज भी बता रहा था कि वो ये संदेश दे रहा है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संदेश खाली में उसका वर्चस्व है, बंगाल में उसका वर्चस्व है, और यही वर्चस्व वो शायद बाकियों को दिखाकर ये कह रहा है कि भले ही मैं गिरफ्त में ज़रूर आ गया हूँ, लेकिन अभी भी ये सब मेरे सामने कुछ नहीं है। और यही बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है, जिसे लेकर विपक्षी पार्टी यहाँ पर जो BJP है वो भी सवाल उठा रही है कि अगर आज जब गिरफ्तारी के समय 55 दिन आपने लुका छिपी का खेल खेला, और उसके बाद जब आपकी गिरफ्तारी हो भी गई है, तो आप इस तरह के तेवर दिखा रहे हैं, आप ये बताना क्या चाहते हैं कि कल को आप अगर जेल गए भी तो वहाँ पर भी आपको VVIP ट्रीटमेंट मिलेगा। अब जो आरोप हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है, लेकिन आप उसकी कहानी से ये समझिए कि बहुत छोटे से उसने शुरुआत की, खेतों में मजदूरी करके, ईंट भट्टों में काम करके, टिकट भी वो काटा करता था बस में, कंडक्टर का भी काम उसने किया था। इस तरह के काम करके उसने राजनीति में एंट्री ली, और फिर राजनीति के सहारे अपनी धमक वो बढ़ाता गया। संदेश खाली का जो इलाका जिसमें मामा और
भांजे ने मिलकर, यानी कि शाहजहां शेख और उसके मामा ने मिलकर उस पूरे इलाके में मछली पालन का जो कारोबार होता है उसमें भी खुद को स्थापित कर लिया, और वहीं पर आज वो छिपा भी हुआ था उसी इलाके में, संदेश खाली जिसे उसका गढ़ कहा जाता है, जहाँ से शाहजहां शेख पर आप उंगली नहीं डाल सकते, उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। जब ईडी की टीम पूछताछ के लिए पहुंची थी तब किस तरह की तस्वीर आई थी ये वो बताना चाहता है कि ये पूरा इलाका मेरा है। और इसीलिए मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि ये कहानी बहुत ज़्यादा फिल्मी है, लेकिन जैसा कि फिल्मों में होता है कि विलन चाहे कितना भी मजबूत हो, कितना भी ताकतवर हो, लेकिन उसका अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। जीत हमेशा से अच्छाई की ही होती है। आज वो गिरफ्तार ज़रूर हुआ है, आगे नज़र इसी पर रहेगी कि आखिर जो आवाज़ उठी है उसके खिलाफ उन आवाज़ों को इंसाफ किस तरीके से मिलेगा।